अनुपुरेश शर्मा के अरेस्ट करने के लिए, वो इंशाल्लाह दो दिन में कभी भी उसको अरेस्ट करके वहाँ से लोग। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए मुंबई पुलिस की टीम ने पूरी तैयारियां कर ली है। क्या मुंबई पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ सारे सबूत जुटा लिए हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन मौलानाओं का विश्वास बता रहा है। मोहम्मद पैगंबर पर नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान ने देश विदेश में हड़कंप मचा रखा है। ऐसे में अब तक नुपुर शर्मा पुलिस के सामने हाजिर भी नहीं हुई। वहीं अब नुपुर शर्मा के खिलाफ बहुजन वंचित अघाड़ी मुंबई में आंदोलन करने वाली है। मोहम्मद पैगंबर पर दिए गए विवादित बयान को लेकर मुस्लिम संगठन और बहुजन वंचित अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से मुलाकात की और 17 जून को मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन करने का फैसला लिया है, लेकिन उन्हें फिलहाल मुंबई में आंदोलन करने की इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में मुस्लिम संगठनों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। तुम्हें पता चला कि हमने उनसे पूछा आपके क्या, आपने क्या कार्रवाई की है? उनकी भी एक पूरी टीम नुपुर शर्मा के अरेस्ट करने के लिए, लेकिन इसमें कई लीगल तरीके जाना पड़ता है, लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। उनकी टीम उस लीगल प्रोसीजर को फॉलो कर रही है और अब दिल्ली में एक टीम ऑलरेडी लेडीज की टीम बैठी है पुलिस वालों की, वो इंशाल्लाह दो दिन में कभी भी उसको अरेस्ट करके वहां से लोग पहले नोटिस देंगे, उसका वो लेंगे, स्टेटमेंट लेंगे, फिर उसके बाद में जो प्रोसीजर होता है जो हाईकोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है। जैसा कि हमारे अभी साथी फैज भाई ने कहा कि 20-22 दिन हो गए तो आप नहीं जगे, अब आप इस सिलसिले में जग गए हैं, उठ गए हैं, तो अभी अमन सुकून से रहना चाहिए और जब पुलिस आपका ताउन कर रही है तो इस प्रोटेस्ट की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात बहुत जरूरी है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज का हरबा न बने, आप उनका शिकार न बने। वो अपनी बातों को उछालने के लिए ये चाहते हैं कि मुसलमान बाहर आ जाए। मुंबई में अब तक नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए विवादित टिप्पणी पर शांति बनी हुई है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने 17 जून को मुंबई में नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ आंदोलन करने के तहत वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में प्रकाश अंबेडकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 17 जून को नुपुर शर्मा के खिलाफ मदनपुरा से आजाद मैदान तक आंदोलन किया जाएगा। वंचित बहुजन अघाड़ी मुंबई की ओर से मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ जो गुस्ताखी की, एक भव्य रैली आयोजित की है। 17 जून को यह रैली है, दोपहर के 2 बजे यह रैली शुरुआत होगी, मदनपुरा से शुरुआत होगी, वंचित के ऑफिस के सामने से शुरुआत होगी और आजाद मैदान पे जाएगी। इस रैली की मांग है, जिन्होंने गुस्ताखी की है उनको गिरफ्तारी करें, उनको अरेस्ट करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं खुद वहां पर रैली में उपस्थित हूं, इंसानियत और भाईचारा को मानने वाले सभी जन वहां पर उपस्थित हो। मुस्लिम समाज से आग्रह है कि वो भी इस रैली में शामिल हो। नमस्कार। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद जहां देश भर में प्रोटेस्ट चालू है मुसलमानों के द्वारा, ऐसे में मुंबई में भी शांति का माहौल है, लेकिन इस पूरे मामले के बाद से अब बहुजन वंचित अघाड़ी की ने भी प्रोटेस्ट की बात की है, मुंबई में आंदोलन करना चाहती है। 17 जून को मदनपुरा से आज़ाद मैदान में आंदोलन की बात की गई है। इसी मामले को लेकर मुंबई कमिश्नर संजय पांडे से कुछ मुस्लिम संगठनों ने आज बातचीत की है और इसी मसले में प्रकाश अम्बेडकर भी जो है संजय पांडे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की आंदोलन की परमिशन अब तक उन्हें नहीं दी गई है, क्योंकि मुंबई कमिश्नर संजय पांडे उन्होंने साफ किया है कि इस प्रकार का आंदोलन नहीं हो, मुंबई में शांति तरीके का आंदोलन शांति तरीके से हो। और इसी पूरे विवाद के बाद से कहीं ना कहीं अब जो है मुस्लिम संगठन की नाराजगी है और वो चाहते हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले के बाद से अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या वंचित अघाड़ी प्रकाश अम्बेडकर जो है इस मामले पर प्रोटेस्ट कर पाएंगे या मुंबई पुलिस उन्हें परमिशन देगी। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने समन भेज कर रखा है। नुपुर शर्मा को पूछताछ के लिए पायधुनी पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहने को भी कहा गया है। रजा एकेडमी की शिकायत पर पायधुनी पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। नुपुर शर्मा को 25 जून को
पायधुनी पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान दर्ज करवाने को कहा गया है। एक तरफ तो मौलानाओं को पूरा विश्वास है कि किसी भी हालत में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होकर रहेगी, वहीं अब तक नुपुर शर्मा पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाने के लिए भिवंडी में भी हाजिर नहीं हुई थी। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या जो मुंबई में अभी शांतिपूर्ण माहौल बरकरार है वो आगे ऐसे ही जारी रहेगा या फिर कुछ विवाद उठेगा। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।